वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई। मैं बार बार महंगाई का जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है और मुझे अब क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी एक लिमिटेड सैलरी है। अब मैं चाहती हूँ कि उस सैलरी में सब कुछ खरीद लेके सब कुछ तो नहीं खरीद सकती मैं, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई इतनी हो चुकी है। हम अपनी जो हमारी इस्तेदाद है उससे बढ़ के हम आगे जा सकते हैं। तो बात यह है कि अब हम जो है ब्रेक से पहले हमारे साथ जो है डिफरेंट गेस्ट मौजूद थे और अब जो हमारे साथ मौजूद है मुआशी तजियाकार, निजी टीवी चैनल में जो है वो एंकर पर्सन की हैसियत से अपनी जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अली नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, क्या हाल है आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। सर आपने मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे और आपने ये भी देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है बढ़ती हुई महंगाई। अभी पिछले दिनों जो है हैदराबाद में एक जो है खुदकुशी का केस रिपोर्ट हुआ महंगाई के बाइस, और जो है इसी तरह के कितने केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। ये कब तक हमारी गवर्नमेंट जो है ये सारे जो है खबरें सिर्फ सुनती रहेगी और इनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा? हुकूमतें असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में मजबूर होती हैं जी, अगर अवामी मसाइल का किसी तरह हल निकालने तो बड़ी बात हो, लेकिन बात यह है कि उनकी तवज्जो ज़्यादा अपने ज़ाती मसाइल की जानिब होती है। जो हुकूमत में लोग होते हैं अच्छा। अवाम के मसाइल से नावाकिफ होते हैं, ठीक है। उनमें ऐब और ख़राबी ये भी है कि बहुत सारे इनमें से जो कि हुकूमती नुमाइंदे बनते हैं या फिर अवामी नुमाइंदे बनकर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं कि वो खुद भी इन्हीं इलाकों से आए होते हैं, छोटे शहरों से भी आए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब उनको इज्जत और मुकाम दे देता है तो वो फिर अपने शहर को भी भूल जाते हैं, अपने इलाके को भी भूल जाते हैं, दीगर और मसाइल जो हैं उनको हल करने की जानिब इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जी। और मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद कि उन्होंने चाहे महंगाई का मसला हो या कोई भी और अवामी मसला हो उसको देखते हुए, समझते हुए, खुद एक्सपीरियंस करते हुए, यानी उनके अपने तजुर्बे में भी यही होते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको सारे जैसे आपने जिक्र किया, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि वो एक छोटे गांव से अभी अगर आए तो वो सारी सिचुएशन उनके ऊपर भी खुद भी उन्होंने ये सब चीज़ें फेस की होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है अमीर हो और जो है वो ऐसी जो है वो आ गया है और मतलब उसके लिए गुर्बत और ये सब उसने कभी देखी ना हो। तो ये चीज़ तो एक मतलब अजीब सी है ना कि आप अगर किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं एटलीस्ट आपको अपने खिदमात, अपने जो आपका फ़र्ज़ बनता है वो तो आप अपनी आवाम तक जो है उसको कन्वे करें। बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत में आने के बाद भले आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों आप उस तबके को भी भूल जाते हैं, आवाम को भी भूल जाते हैं। ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अलमिया है इस कौम का, हमारी क़यादत जो है वो चाहे किसी तबके से भी ताल्लुक़ रखती हो हुकूमत में आने के बाद हकीकत भूल जाते हैं, तजुर्बों को भूल जाते हैं, मसाइल को भूल जाते हैं। और आप सही कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि अमीर लोग भी ऐसे हों जो कि गरीबों के मसाइल से नावाकिफ हों। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो कि इनकलाब लेकर आए उनका ताल्लुक अमीर घरों से और अमीर घरानों से था, जो गरीब का इनकलाब लाना थोड़ा मुश्किल है। माजरत के साथ जो हकीकत बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहे जितने भी दुनिया के अंदर इंकलाब लाने वाले अशखास हैं उनकी तारीख को पढ़ें तो उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर और अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखने वाले, तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनके दिल में आवाम का एहसास पैदा हुआ। और आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गरीब तबके से, आम तबके से या मुतवसित तबके से ताल्लुक़ रखते हों और उन्होंने कोई इनकलाबी तब्दीली दुनिया के हालात में लाने में कोई अपना किरदार अदा किया। और ये एक रियलिटी, लेकिन मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ निदा आपके साथ। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जो आप हकीकत है वो आप बयान कर रहे हैं। जितने भी लोग जिन्होंने इंकलाबी थ्योरियां लाए या इंकलाब लेकर आए, चाहे फ्रांस का इंकलाब हो, फ्रांस के इंकलाब को आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ महंगाई की वजह से फ्रांस का इंकलाब और गुर्बत की वजह से फ्रांस का इंकलाब आया था। आपको याद होगा कि बादशाह के पास आवाम गई और उन्होंने कहा हमारे पास रोटी खाने को नहीं है, तो बादशाह सलामत कहने लगे कि आप केक खा लें, क्योंकि वो अवाम के मसाइल से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थे। और फिर उसके बाद आप जानती हैं कि इसी तरह के जो दीगर और इंकलाब भी आए, जैसे बरतानिया में जो एक इंकलाब आया है वो पार्लियामानी जमहूरियत तो वहाँ नाफिज नहीं हुई, वहाँ तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन आप देखें कि इख्तियारात जो है वो मलका बरतानिया के पास नहीं है बल्कि वजीर आजम बरतानिया के पास है। उसकी वजह यही है कि अवाम इंकलाब जरूर लेकर आई, लेकिन एक इंकलाब इस नोयत का था जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग लेकर आए,
और पार्लियामान के इख्तियारात में इजाफा करवा दिया और मलका या बादशाह के इख्तियारात में कमी करवा दी। ये आप इनकलाब अमेरिका में भी देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर दो बड़ी खूनी जंगें हुई, पहले जंग आज़ादी हुई उनके यहाँ, फिर उसके अलावा खाना जंगी हुई जिसे अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। ये दोनों जो हैं ये पढ़े लिखे तबकात ही जो थे उन्होंने ही ये किया। तो वो आप देखें आज अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बरतानिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जापान में भी इनकलाब आया, एक तरह का रेवोल्यूशन वहाँ पर भी आया जब माजी की रिवायात को भूल कर जदीद टेक्नोलॉजी को और जदीद रिवायात को अपनाया गया। ये पढ़े लिखे लोग लेकर आए, तो जरूरी नहीं है, जैसे ये महंगाई का मसला भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी ही पाकिस्तान के हालात तब्दील कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहिम्मत जुरतमंद गैरतमंद इज्जतदार पढ़ा लिखा और अच्छे प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करने वाला आदमी पाकिस्तान की तकदीर के लिए, तकदीर तो मेरे रब के हाथ में है, नऊज़ु बिल्लाह इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे रब ने तकदीर लिखी हुई है उसकी उसके उस प्लान के अंदर हो सकता है ये उस शख्स के हाथ से हो। अब कौम काफी हद तक नाउमीद हो चुकी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ क़यादतों को आजमा के ऐसा महसूस होता है कि प्रॉब्लम का हल जो है वो कहीं से भी नहीं निकल रहा जी। तो कोई भी कल सीधी नहीं है और एक अजीब सा जैसे आप कह रहे हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हर आदमी आता है कहता है, कोई कहता है मैं इंकलाब लाऊंगा कभी हालात तब्दील हो जाएंगे, लेकिन होता वो था कुछ भी नहीं, वही रिवायती सियासतदान, वही पुराने घिसे पिटे मसाइल, बेरोजगारी उरूज पर, महंगाई में इजाफा, गुशरबा इजाफा, मतलब आप यू नेम इट जी जी नहीं जी। तो अली साहब आप बात कर रहे थे पढ़ा मतलब एजुकेशन की बात कर रहे थे, तालीम की बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे जो तबका है उन्होंने वो इनकलाब लेकर आया, लेकिन 1947 से अगर मैं देखूं तो अभी तक कोई किसी किस्म का कोई आज तक कोई मुझे तो इनकलाब आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वही ही जो है दौर रिपीट होता आ जा रहा है। और जो है जबकि देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट में भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हमारे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे मौजूद हैं। तो ये तमाम जमातों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म के कोई जो है इनकलाब क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों? उसमें जरूरत गैरत की जरूरत है, थोड़ी इंसान को अपने अंदर एक जरूरत और हिम्मत भी पैदा करनी पड़ती है। पूरी कौम अर्तुगल ड्रामा तो देख रही है लेकिन अर्तुगल की तरह जरूरत और हिम्मत भी तो दिखानी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आप बड़ा देखने की जरूरत है ना, तो बड़ा ख्वाब देखेंगे उसको हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां देंगे तो हासिल होगा। दूसरी बात, आपने 1947 की मिसाल दी, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान बना और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों से बना। बिल्कुल, और वजह यही है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक पढ़े लिखे आदमी, तालीम याफ्ता आदमी जी, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के आदमी, बहादुर बाहिम्मत जुरतमंद और इज्जतदार, जिसे मैं कहूँगा शख्स जिसको अपने और दूसरों के मुकाम के मुतालिक पता था। और आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान स्टडीज की किताब में सारा उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पता नहीं कुर्बानियों और पता नहीं क्या क्या करके बना। पाकिस्तान कतई ना कुर्बानियों, ना मार धाड़, ना तलवार की नोक पे बना। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक दुनिया भर के लिए एक मिसाल है, नेगोशिएशन टेबल टॉक और जिसे आप कह सकते हैं स्पीचेस वगैरह, मतलब बहुत ही अच्छे से और अम तरीके से बना। देखें इंडिया क्लेम करता है कि जी वो हम तो जो अहिंसा से हमने अपना मुल्क बनाया वगैरह वगैरह, उन्होंने अहिंसा वहिंसा कोई नहीं की, वो तो ऐसे ही उनकी वजह से बड़ा जो है मामला बड़ा गद्दा हुआ, उनकी वजह से ही जो है पार्टीशन के अंदर इतना ब्लडशेड वगैरह हुआ। शायद कुछ ही कसूर उसके अंदर हमारे यहाँ के लोगों का होगा, लेकिन ज्यादा इशू यही है कि वो अहिंसा और ये वो ड्रामे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे में एक मुनफरिद मुल्क है, जहाँ पे कोई पाकिस्तान बनने में ना ही हमने बरतानवियों का कोई खून बहाया, ना ही हमने बरतानवियों से कोई झगड़ा किया लड़ाई की, बल्कि हमने पुरअमन अंदाज के अंदर अपने मुकदमे को लड़ा। एक वकील कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, एक दो कौमी नजरिए और बिलखसूस दो अकवाम के दरमियान ऐसे बुनियादी इख्तलाफात को जो है वो सामने रखा। बरतानवी हुकूमत बरतानवी राज को ये साबित करके दिखाया कि मामला जो हैं वो आगे जाके बिगड़ सकते हैं, जिसके नतीजे में बरतानिया की हुकूमत ने बड़ी संजीदगी से सोचते हुए
हिंदुस्तान को छोड़ते हुए भारत को एक अलहदा मुल्क बनाया, पाकिस्तान को एक अलहदा मुल्क का दर्जा दिया। तो ये जो बात है ये हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज को बताना बहुत जरूरी इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की किताब में सारा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तारीख को मस किया गया है। तो बेसिकली ये सारी नॉनसेंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने ये किया, और जानों का ज्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सिलसिला हुआ जिसमें जहरी बात है बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आए, उनके साथ जो जुल्म व ज्यादती की गई, या वो मुसलमान जो वहाँ भारत में रह गए थे उनके साथ जो जुल्म व ज्यादती की गई, या वो बहुत सारे हिंदू ऐसे भी होंगे जो कि हमारे इलाकों में होंगे उनके साथ भी ज्यादती हो गई होगी, जुल्म हो गया होगा। उसके अलावा जो अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने कोई ब्लडशेड के जरिए पाकिस्तान हासिल नहीं किया, हमने एक बड़े पुरअम तरीके से पढ़े लिखे अंदाज के अंदर पाकिस्तान हासिल किया, और एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता प्रिविलेज क्लास के आदमी ने उसके अंदर एक की रोल अदा किया। ये कोई अवामी, मैं आपको बता दूं, कोई तहरीक नहीं थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई अवामी तहरीक के जरिए नहीं बल्कि इफेक्टिव नेगोशिएशन के जरिए अवाम में ये आगाही दी कि हम दो मुख्तलिफ अकवाम में हम एक साथ नहीं रह सकते, जिसके नतीजे में अवामी तहरीक तैयार हुई। देखें अदर वे राउंड नहीं है, हमारे यहाँ पाक स्टडीज के अंदर सारी उल्टी सीधी क्योंकि चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं ये एक अवामी तहरीक ने जन्म लिया जिसके नतीजे में करारदाद पाकिस्तान और फिर उसके बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हासिल हुआ और हमें और आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, लेकिन अली साहब बात यह है कि जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया, आपने बरतानिया का भी जिक्र कर दिया, तो बात ये वहाँ पे इलिटरेसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे क्राइम रेशियो आप देखिए किस कदर कंट्रोल कर दिया गया है, वहाँ पे अगर मौशी सूरत हाल की बात करें, मतलब बदहाली की अगर हम बात करें तो वो भी वहाँ पे कंट्रोल में, लेकिन ये पाकिस्तान जो कि कायदे आज़म ने ऐसा पाकिस्तान सोचा था, ऐसा पाकिस्तान बनाने का उन्होंने जो है वो तसव्वुर किया था कि ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए। देखिए असल में निदा इसमें फिर बहुत सारे तारीख के पन्ने खोलने पड़ेंगे, तारीख मेरा पसंदीदा मौजू है। बात ऐसी है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो विजन थी पाकिस्तान की वो बिल्कुल फर्क, सबसे पहले तो वो एक मोतदिल मिजाज शख्स थे जो कि जदीद सोच के हामिल थे। तो हमारे यहाँ जो बहुत दफ़ा मैं इस चीज़ के ऊपर लोगों से जिरा होती है, बात यह कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को तब्दील करने की कोशिश की गई है, सबसे पहले ये है कि उन्होंने दुनिया भर के अंदर जदीद तालीम, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने जदीद तालीम हासिल की जी, और उसी जदीद तालीम की बुनियाद पर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की, मैं जो कह सकता हूँ एक तरह से बुनियाद डालने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया से जल्दी चले गए, इस वजह से लोगों ने फिर तारीख को मस्ख किया, उनकी शख्सियत को तब्दील करने की कोशिश की, उनकी मोतदिल मिजाज और जदीद शख्सियत को तब्दील करके रिवायती शख्सियत बनाने की कोशिश की। उन्होंने सारी जिंदगी अपने सूट पहना, बेहतरीन सूट पहने, बल्कि दुनिया भर के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने लिबास की वजह से मुनफरिद थे, एक रोल मॉडल था बिल्कुल, और बड़े बड़े रिसालों के कवर्स के ऊपर वो आते थे। और इसके अलावा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बेंटली गाड़ी चलाते थे जो कि आज अंग्रेज भी चलाते हुए जो है महसूस करते हैं कि जिस शख्स महसूस करते हैं कि हम वो गाड़ी चलते। उन्होंने गोरे को अपने पास ड्राइवर रखा हुआ था, वो कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे, उनकी कोई भी तस्वीर देखी जाए उसमें उन्होंने नजरें नहीं झुकाई होती बरतानियों के आगे, कोई ऐसी तस्वीर नहीं होती जहाँ पे वो एहसास कमतरी का शिकार हो, ना कि हिंदुस्तानी क़यादत को देखा जाए तो वो हमेशा भारतीय क़यादत को देखा जाए, कांग्रेसी क़यादत को देखा जाए तो वो हमेशा हाथ जोड़ के सामने खड़े होते थे अंग्रेजों के, हमेशा नजरें झुकाए गर्दन झुकाए उनके सामने खड़े होते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा जो है वो एक कभी भी उनके ऊपर जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं रहे, और हमेशा बराबरी की बुनियाद के ऊपर अंग्रेजों के साथ बात की, इसी बुनियाद के ऊपर मसालहत की, और अंग्रेज उनकी बात को बड़ा वजन देते थे क्योंकि इंसान अपना अपने किरदार से अपनी शख्सियत से अपना मुकाम हासिल करता है। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे कमजोर लोग जो हैं वो क़यादत के मिंबर पर आकर बैठ गए हैं और उनकी शख्सियत में भी कोई ऐसी कोई खासियत नहीं है, खूबी नहीं है। इसके अलावा बात यह होती है कि इंसान जो है वो अपनी बातों से अपनी अंदाज से मामलात को अपने हक में कर ले और जो भी मौजू हो ये तभी मुमकिन होता है जो भी मौजू हो उस पर गिरफ्त हासिल हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खसूसियत ये थी कि वो हमेशा जब भी किसी से मुलाकात किसी भी आम शख्सियत से मुलाकात करना चाहते थे उससे पहले आईने के सामने खड़े होकर मिरर प्रैक्टिस किया करते थे। अच्छा। उसके आने के बाद मैं उससे किस तरह से गुफ्तगू करूंगा,
अगर इस सवाल का वो ये जवाब देगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, मैं उसके साथ कैसे जिरा करूंगा, कैसे मुबाहसा करूंगा, किस तरह का मुनाजरा करूंगा। ये एक तीन तैयारी, मौजू के ऊपर गिरफ्त, प्लानिंग, जिसके नतीजे में इंसान कामयाब होता है। जो आपने बताया उनकी विजन थी, उनकी विजन बिल्कुल फर्क थी। मैंने आपको बता दिया कि उनकी विजन यही है, उनकी तस्वीर मौजूद है, इंटरनेट पे देखी जा सकती है। अब अवाम को बेवकूफ बनाकर उनसे नहीं छुपाया जा सकता। एक आजाद जहन, मोतदिल मिजाज, जदीद तालीम के साथ, जिसे आप कह सकते हैं कि इक्विप्ड एंड आर्म्ड विद मॉडर्न एजुकेशन, एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया को एक मुख्तलिफ लेंस के जरिए देखता था और जिसमें एक बसीरत थी, वो पाकिस्तान ऐसा नहीं देखना चाहता था। आज यकीन करें, अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मैं कहूँगा कि जो उसूल उन्होंने दिए थे, चाहे फॉरेन पॉलिसी में हो, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर या पॉलिटिक्स में हो, आज पाकिस्तान बरतानिया के बराबर खड़ा हुआ होता। बिल्कुल सही कहा आपने अली साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कायदे आज़म की वाकई ऐसी पर्सनालिटी थी कि उनको दुनिया में रोल मॉडल एक तरह से, एक वो हीरो थे हमारे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस, क्या क्या कुर्बानियाँ उन्होंने नहीं दी। आप ये देखेंगे उन्होंने पाकिस्तान के लिए किस कितनी जद्दोजहद की, उन्होंने क्या क्या मुश्किलात फेस की, उन्होंने सिखता कि हम एक आज़ाद रियासत में रह चुके, उन्होंने अपनी सारी लग्जरीज छोड़ दी, उन्होंने सारी अपनी लग्जरी लाइफ, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया सिर्फ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और आज के हुक्मरानों को आप देखें, वो अपने एसी रूम से बाहर ही नहीं निकलते, तो वो आवाम का दर्द क्या समझेंगे? उनकी नींदें पूरी नहीं होती, उनको महंगाई का एहसास नहीं है, उनको ये नहीं पता कि गरीब मर रहे हैं, यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, लोगों की बिजली के बिल लोग अफोर्ड कैसे करेंगे। आप यूनिट्स तो बढ़ा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि एक जो गरीब है वो किस तरह से सब चीज़ें अफोर्ड करेगा। जी अली साहब, ये बड़ी अहम बात आप कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यही है ना कि हमारे यहाँ देखें, मजबूत क़यादत का ना आना, इसकी एक वजह तो अंदरूनी तौर पर जो आप कह रही थी हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपकी निदा माजरत के साथ मैं कहूँगा, शायद ये आपकी एक गलत फहमी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक आपकी सोच में आपको थोड़ा सा तब्दीली लानी पड़ेगी। मैं भी ऐसा सोचता था, आपकी तरह सोचता था, आइडियलिस्ट सोच रखता था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हों। अफसोस की बात ऐसी है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे जाहिल हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे भी जो आप कह रही हैं, माजरत के साथ में कहूंगा, पढ़े लिखे भी नहीं है ज्यादातर, हम लोग अपने मुंह में लिखते, पढ़े लिखे ना समझ, पढ़े लिखे ना समझ। नहीं, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ ना, फिजिक्स का प्रोफेसर पाकिस्तान के अंदर सियासत पर गुफ्तगू कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों, आप खुद ही पहचान है, फिजिक्स का प्रोफेसर पाकिस्तान के अंदर सियासत पर गुफ्तगू कर रहा है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर पाकिस्तान के अंदर ये बता रहे हैं कि तालीमी निजाम को कैसे ठीक किया जाए। सही, वो शख्स जो कि टीवी एंकर रहा है, अब सियासतदान बन गया है, अब हो सकता है उसको कोई इख्तियार की जगह मिल गई हो, वो चांद देख रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ तालीमी याफ्ता बंदा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। दुनिया में जब मैं जाता हूँ, पाकिस्तान में मैं बड़ा, मुझे लगता है कि मैं बड़ा तालीमी याफ्ता आदमी हूँ, दुनिया में जब मैं जाता हूँ तो मैं मीडियोकर सा आदमी हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यानी एक आम सा शख्स हूँ। मेरे पास जो तालीम मईशत की या इक्तसादियात की है, ये वहां पर आम लोगों के पास है, यानी हकीकत में आपको बात बता रहा हूँ। आप बताएं ना, आज तक चले आप कह रही हैं हम तालीम याफ्ता, चले मैं बहस कर लेता हूँ, आप मुझे एक ईजाद बता दें पाकिस्तानियों की 1947 से लेकर अभी, एक ईजाद। यही तो मेरा आपसे सवाल है सर, यही तो मेरा आपसे सवाल है कि मैं तो कोई तब्दीली, कोई ईजाद में नहीं देखती भी आ रही, बल्कि हम लोग तो दिन ब दिन अपना पीछे जाए जा रहे हैं, ये कहाँ की तब्दीली है? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, असल बात यही है कि हमारे अंदर लोग ही नहीं जी, हमारे अंदर पढ़े लिखे, माजरत के साथ आपको बता रहा हूँ, देखिए छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ममालिक आपको बता, अभी अभी देखें नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हुआ है जी, नोबेल प्राइजेस का ऐलान हुआ है दूसरे शुबहाजात के अंदर, आपके पाकिस्तानियों का नाम क्यों नहीं आया? एक जो आया भी बमुश्किल, वो क्यों आया मैं अब उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, जो माजी के अंदर हमें नोबेल प्राइज मिला भी, लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि देखें ये जो जदीद साइंसदान तहकीक कर रहे हैं, आपके यहाँ क्यों कोई तहकीक नहीं कर, मैं गलत बोल रहा हूँ? चलिए निदा, मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ लेता हूँ, मैंने चलो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, मेरे ख्याल से मैंने किसी पाकिस्तानी मुसन्निफ की कोई एकेडमिक बुक नहीं पढ़ी, माजरत के साथ आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखी। मेरे एक उस्ताद थे डॉक्टर असरार हुसैन सिद्दीकी साहब, उनकी मैंने बैंकिंग की किताब पढ़ी, लेकिन वो भी मैं ये कहूंगा कि स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यादा अपना कुछ वक्त वहां भी गुजारते थे, इसलिए उनकी
एक वसत नजर थी। उनके अलावा मैं मुझे बताएं मैंने कौन सी किताब पढ़ी, मैंने तो किसी पाकिस्तानी मुसन्निफ की इंटरनेशनल कैलिबर की कोई एकेडमिक किताब नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी हो मुझे बता दें, ना यहाँ किताब पढ़ते हैं ना लिखते हैं। लेकिन सर बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात यह है कि तालीम की भी बात हमने अभी कर ली, लेकिन तालीम का भी उस तरह का कोई जो है आवाम में अब नहीं रहा, क्योंकि अब ज़ाहिर गुर्बत इतनी हो चुकी है, क्योंकि हम भी गुर्बत के ऊपर ही बात कर रहे हैं ना कि गुर्बत जो है वो किस तरह से ख़त्म हो सकती है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, गुर्बत की एक बदतरीन शक्ल ये इंटेलेक्चुअल फुकदान है जी। गुर्बत की एक शक्ल ये इंटेलेक्चुअल फुकदान है, नजरियाती फुकदान। आप देखें इस मुल्क के अंदर हम क्लेम करते हैं, आपको मैं क्या क्या बताऊं, अभी आपने मईशत की थोड़ी बहुत आपने छेड़छाड़, देखें पाक स्टडीज की बुक के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है गलत मलत, मैं तो आज गुजारिश करता हूं अगर आपके प्रोग्राम के तवसुत से कोई वजीर सुन रहे हो कोई मुशीर सुन रहे हो तो भाई पाक स्टडीज की किताब को जरा दोबारा से रिवाइज करें। वसाइल से हम माला माल है, निदा आपने सुना होगा जी, जहाँ हम जाते हैं वसाइल से हम माला माल है, ये एहसास कमतरी है। कौन से वसाइल है आपके पास आप मुझे बता दें, गैस तो घर में आती नहीं है, वसाइल से माला माल, वसाइल से माला माल। अरे कंगला आदमी चुड़ैल खुद को आईने में देख के बोल रही है, आपने देखा होगा अंग्रेजी की कहानी है उसमें चुड़ैल अपने आप को आईने में देख के बार बार बोल रही है कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है, आईना बोल रहा है तू है चुड़ैल तू है। हम खुद ही खुश हुए जा रहे हैं ऐसी बेवजह में, आप मुझे बताएं कौन से वसाइल है, आप मुझे बता दें क्या चीज क्या है आपके पास, ऐसी बस वसाइल है आपके पास। सबसे अहम जो वसीला है आप सुन तो ले मेरी बात, वो है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आबादी, जिनको आप कुछ समझते ही नहीं है। आप कहते हैं धक्के मार के पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, जरा सा को पढ़ लिख जाए इसको जनाब अमेरिका भेज दो, बरतानिया भेज दो, दुबई में मजदूर बना दो, किसान बना दो, ये है तो आपके पाकिस्तान में पैदा होने का पाकिस्तानी हमारे जो है पासपोर्ट हमारे फिर क्या मकसद है कि हम पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में रहने के बावजूद हम इतने जो है मजबूर हैं कि हम लोग और ममालिक में जाके वहाँ पे जॉब की हम लोग जो है तलाश में वहाँ पे हम लोग जो है मजदूरी करने के लिए भी तैयार है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इसको बाइक से फखर समझते हैं। निदा मैं आपको बताऊं लोग हंसते हैं, मैं आपको बताऊं एक इंजीनियर अमेरिका में तैयार होगा उस पर लाखों डॉलर खर्च करेगी उसकी रियासत, पाकिस्तान की तरह नहीं है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये जो इंजीनियर डॉक्टर और दीगर तालीम याफ्ता लोग अमरीका बरतानिया यूरोप में नौकरी कर रहे हैं, जरा समझे उनके लिए कितना अहम ये, आप एक खजाना हो, हमारे लोग एक खजाना है, एक अनएक्सप्लोर्ड फॉर्चून है, ट्रेजर है। आप सुने देखे मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात, हम तो हमें तो को पूछ ले अकल बड़ी या भैंस, तो हम कहेंगे ये भैंस तोल के ज्यादा होगी वो दे दें, तो हम लोगों का हमारी सोच नहीं है ना ठीक। देखें असल बात ये है कि अमरीका वाले कहते हैं कि एक इंजीनियर हम अपने मुल्क में बनाएंगे, उसको हाई स्कूल तक पढ़ाएंगे, लाखों डॉलर पहले खर्च करेंगे, फिर वो कॉलेज नहीं जाएगा, कॉलेज में उसे पढ़ाएंगे फिर लाखों डॉलर खर्च करेंगे, फिर उसको यूनिवर्सिटी में भेजेंगे उसको डिग्री दिलाएंगे लाखों डॉलर खर्च करेंगे। ये पूरा एक इंजीनियर तैयार करने का सफर जो है ये लाखों डॉलर का होगा, अगर इफ नॉट मिलियंस ऑफ डॉलर। आपका इंजीनियर यहाँ पे भीख मांग के अमरीका की वहां पे चला जाता है कि मुझे किसी तरह नौकरी मिल जाए, उनको उनको बुरा है क्या? एक इंजीनियर वहां पे लाखों डॉलर में तैयार होता है निदा, एक डॉक्टर वहां पे लाखों डॉलर में तैयार होता है। सही कह रहे हैं आप ये देखिए ना यहाँ पे तो हमारी इस तरह की एजुकेशन की भी कोई वो नहीं है, लोग चाहते हैं कि अब वैसा स्टैंडर्ड रहा नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ तालीम का, लोग तालीम हासिल करने के लिए बाहर ममालिक क्यों जा रहे हैं जब आप पाकिस्तान में आपके पास किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। इशू ये है कि हमें लगता है कि हम झूठ बोल के रोके, चाहे वो महबूबा हो या हमारी अपनी आवाम, हमने झूठ जरूर बोलना है रोकने के लिए। अरे भाई आप सच बोल के रोको लोगों को, आप बताओ कि इंसान देखें आज की दुनिया में जंगल जंगल में तो फिर बहुत सारे वसाइल होते हैं, लेकिन रहते तो वहां बंदर है ना जी। बात ये है कि जंगल में बहुत से वसाइल हैं, अब बंदर वहां रहते हैं तो क्या फायदा उनको। बात ये है कि इंसान जो है वो एक मुनफरिद, देखे ना अशरफुल मखलूकात, उसको अंडरस्टैंड करना है कि मेरी वैल्यू अर्थ के अंदर मेरी वैल्यू, खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई इंसान को। अब आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सोना ज्यादा होता है, कश्मीर हमें इसलिए हासिल लोन करना चाहिए क्योंकि वहां से सारे दरिया निकलते हैं। नहीं भाई, खूबसूरती है कश्मीर, हमें कश्मीरियों को आजादी इसलिए दिलवानी है, कश्मीरियों के इंसानी हकूक हैं, हमें उनके इंसानी हकूक, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका साथ देना और इस बुरी सिचुएशन में इंसानियत ज्यादा, अगर उनका साथ भी दें, मैं नहीं हूँ, मैं मेरा ताल्लुक बिहार शरीफ से नहीं है, उनका भी साथ दें, लेकिन बिहार हमारे कितने बिहारी भाई हैं जो इस वक्त वहां पे फंसे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए भी कुछ करो ना।
मैं तो बिहारी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा ताल्लुक बिहार शरीफ से नहीं है, लेकिन मैं आपको टीवी पे ये बात बोल रहा हूँ। सर हम तो सबकी बात करते हैं, हम तो फलस्तीन की भी बात करते हैं, फलस्तीन हो गया, कश्मीर हो गया, या आप अभी अच्छा, बात करें बांग्लादेश की। निदा, निदा, वन जी, वन, एक मेरी गुजारिश सुनने प्लीज। आपने अभी मेरे जज्बात जो है ना बिल्कुल गर्मा दी। मुझे ये बताइएगा कौन सा एक जुलूस निकला है फलस्तीन के अंदर कश्मीर के लिए, मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे सवाल, वो तो बेचारे अपने ही, उनके रोने खत्म नहीं हो रहे थे। अच्छा किस अरब मुल्क के अंदर, किस जीसीसी मुल्क के अंदर कश्मीर के हक के अंदर जो है वो इस वक्त जुलूस निकला? नहीं अभी तक तो फिलहाल नहीं। अच्छा निदा कौन सा हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे जिसे हम लोग कहते हैं हर वक्त जी हमारे बिरादराना ताल्लुक होने चाहिए, ईरान में कितने जुलूस निकले कश्मीर के लिए? नहीं निकला। तो मेरी बहन मेरी बात तो सुन लो, ये कहाँ से क्या, हम किसके लिए क्यों लड़ाई है तो सारी दुनिया के लिए। अच्छा नगोरो काराबाग के लिए पूरा पाकिस्तान पेट पे लेटा हुआ है कि नगोरो काराबाग फतह हो जाएगा। मुझे एक दफा बता दो अज़रबैजान के अंदर कहाँ कश्मीर के लिए जुलूस निकला, मैं मान जाऊंगा। नहीं, बाकू जाते हैं सारे पाकिस्तानी, आप देखो गर्मियां आएंगी, अभी देख रेस लग जाएगी, अब तो ये नया मरी बन गया बाकू, सारा पूरा पाकिस्तान बाकू टूअर अज़रबैजान। मुझे सिर्फ ये बता दो कि वहां पर जुलूस निकला नगोरो काराबाग के लिए, हर कोई फेसबुक के ऊपर पेट पे लेटा हुआ, हाँ हमारी फतह हो गई, हम नगोरो काराबाग जीत गए। हम और मुमालिक की बात है, हम तो अभी पाकिस्तान की बात करते हैं, हम लोग तो कर रहे हैं ना, हम लोगों ने तो कहा कौन जी। हम बेवजह बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचे जा रहे हैं, अपनी चप्पलें तोड़ रहे हैं। अच्छा दुनिया को हमारी परवाह होनी चाहिए ना, हम इतने नाकार हैं, हम इतने, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है क्या, क्या हमारे हमारे लिए दुनिया कुछ भी ना करे, हम सबके लिए पेट पे लेट जाए भाई, हम सबकी आजादी के लिए है। तो भाई आप सबकी आजादी बिल्कुल कर, दूसरों से भी तो डिमांड करो, दूसरों से भी तो बोलो भाई कि अपने मुंह से एक लफ्ज निकाल दो, उनकी ट्वीटें सुबह शाम अज़रबैजान फतह हो जाएगा हम जीत जाएंगे, कहां से पता थे जीत जाओगे तुम, अपना कश्मीर उस पर फोकस करो, कश्मीर आजाद करने पे फोकस करो, अपने कश्मीर को तरक्की देने पे कोशिश करो, उससे ज्यादा बेहतर ये है कि भाई कराची में पानी की निकासी का निजाम। बिल्कुल मैं भी इसी तरफ आई थी, तो कश्मीर का रोना रो रहा है, यहाँ पे तो पाकिस्तान की भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि हमारे आज का जो मौजू है वो बढ़ती हुई महंगाई है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो तकरीबन उसी तरह का लॉकडाउन है जो कश्मीर में लॉकडाउन किया गया है वहाँ पे। अंग्रेज बुरा था, सुनो सुनो निजम जी, अंग्रेज बुरा था, अंग्रेज बुरा था उसके दौर में तो कराची में खुला पानी आता था, अंग्रेज बुरा था उसके दौर में पानी की सप्लाई बिल्कुल बेहतरीन थी, अंग्रेज बुरा था उसके दौर में सारे ये जो आपके अभी जो आप देख रहे हैं सड़कें टूट रही हैं, नीचे से गटर निकल रहे हैं, ये सब अंग्रेज नहीं बनाए थे 100 साल पहले 150 साल। सिवरेज का पानी तो मेरे, सिवरेज का निजाम तो पानी, सॉरी मैंने बोलते, सिवरेज का निजाम तो मेरे ख्याल से जो अंग्रेजों के दौर में सही हुआ था वो आज तक वही चलता हुआ आ रहा है अभी तक तो कोई। ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर तो बात करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पूरे 2 घंटे भी खत्म हो जाता कम है। जी जी नहीं, मैं यही आपको कह रहा हूँ ना इंदा के, देखें आप देखें हमारे मुल्क के अंदर दो चीजें हमें खत्म करनी, एक एहसास कमतरी, दूसरा जो है वो हसद। हमें इन चीजों को खत्म करना है अपने अंदर, अपनी बेहतरी लाने के लिए आप एहसास कमतरी से निकल आओ। क्या बात, हर चीज के ऊपर आपने जो है खुद को साबित ये करना है कि आप दूसरे से बेहतर हैं। ये बच्चों की आदतें होती हैं अपने खिलौने को दूसरे के खिलौने से बेहतर कर कहना और बताना। दूसरी चीज है हसद, हसद हमारी कौम को खा गई। दूसरा, एक रोटी ज्यादा खा ले आप परेशान, दूसरे को जरा सी किसी के पास बेहतर गाड़ी आ जाए आप परेशान, किसी और मुल्क को दुनिया में पजीराई मिल जाए आप परेशान। भाई आप अपना अपने मामलात अपने हालात को ठीक करो, और मैं आपको निदा क्लियर कट बात, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लोग नियत ठीक कर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सारा दारुल मदारी नियत पे होता है जी। तो अब बात यह है कि हमारी कौम के अंदर नियत बनाए लोग कि जी हमने अच्छा काम करना है, अच्छा काम। बाकी ये कि निदा ये सारी चीजें, मैं पहले मैंने भी अमिताभ की फिल्म देखी थी वो क्या नाम है अपना जंजीर, और उसके बाद मैंने भी सोचा था कि मैं कुर्सियों को लाते मारूंगा, लोगों से लड़ाइयां करूंगा, अपनी शख्सियत को ठीक कर लूंगा तो मैं दुनिया को ठीक कर लूंगा। बिल्कुल सही बोला, नहीं होगा, एक आदमी माशरा दुनिया नहीं बदल सकता, ये नहीं हो सकता। अपने आप को क्यों हम बेवजह फजूल में बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जब तक हम इज्तिमाई तौर पर बदलने के लिए तैयार नहीं, जब इज्तिमाई तौर पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, जब हम लिसानियत कौमियत फिरकावारियत से बाहर निकल कर सोचेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अली साहब वही कहावत है ना, ये कतरा कतरा ही जो है वो समंदर बनता है, तो हम अपनी तरफ से अपने जो है काविश जारी रखिए, बाकी कभी ना कभी तो हमारे जो हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, उनको नसीहत होगी, कभी ना कभी तो होगी ना। निदा इसने एक और चीज जो मैं अपने मुल्क में देख रहा हूँ, ये भर्ती चीज जो है ये रोजाना मुझे परेशान कर। देखिए बात ये है कि जब आपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की विजन की बात, अलामा इकबाल की सोच की बात,
तो अल्लामा इकबाल पैन इस्लामिज्म में बिलीव करते, यानी सारी दुनिया में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक बन के चले। देखिए आज दुनिया की सोच फिकर बदल रही है, बिल्कुल यहाँ पे तो फिरके इतने हो गए, यहाँ पे हम मुसलमान होने के बावजूद हम लोग मुसलमान नहीं रहे जी। और दूसरी चीज ये है कि हम खालिसतन सिर्फ पाकिस्तान को अपनी शनाख्त बनाते चले जी। देखिए आजकल जदीद ड्रामे, प्रोग्राम, इंटरनेट, ये सब हमें बता रहा है कि दुनिया में मौजूद जितनी अकवाम है वो आज जिस जगह मौजूद है यहाँ पर कभी थी नहीं। यही मिसाल ले लेते हैं, अर्तुगल जो है ये तो वस्ती एशिया से आने वाले लोग, पहाड़ की चोटियों पे रहने वाले वो लोग थे जिनके पास ना खाने को ना पीने को। ये वो लोग थे जो दरवेश तबका, जिसे आप कह सकते हैं खाना बदोश किस्म के लोग, एक जगह रिहायश में। अल्लाह ताला ने इनको कहाँ पे, देखो रिस्क इनका लिखा बसा है, इनकी रियासत कहाँ पे कयाम पे आनी थी, ये आकर तुर्की में आबाद हो गए। इनका ताल्लुक वहां से नहीं है, इनका ताल्लुक पता ही नहीं है। मैं आपको तारीख के सारे अमरीका को ही देख ली, अमरीका जो है चंद सौ साल पहले वहां पर जो आबादी थी वो वहीं के अपने रहने वाले नेटिव अमेरिकन की, जिन्हें जिन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं जी जी। लेकिन आज आप देखिए तो वहां पर हुकूमत, तर्ज हुकूमत और लोग बिल्कुल बदल गए। देखिए नजरियात की बुनियाद पर चीजों को सोचें, ये जुग्राफियाई बुनियादों पर न सोचें। अगर आज आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमेशा पाकिस्तान में आप नजरिया, आप देखें ना सबसे पहले पहला पेज क्या था पाकिस्तानी का, नजरिया पाकिस्तान। आज हम नजरिया पाकिस्तान को भूल चुके हैं। जब आप नजरिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हमारी कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बात यह कि आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, हमारे जब नई हुकूमत आई हमारी, उन्होंने तो बड़ी तब्दीली के नारे लगाए थे, वो नए एक विजन के साथ, नए स्लोगन के साथ वो आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई तब्दीली तो आके ही रहेगी, लेकिन तब्दीली बिल्कुल कहाँ है वो तब्दीली। उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे कि महंगाई रुकेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, गैस बिजली के बिल और आवाम खुशहाल रहेगी, मतलब वो कहाँ गई वो सारे वादे, कहाँ है वो सब कुछ। देखिए ये बिल्कुल ऐसे, हुकूमत मिलना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे शादी से पहले और शादी के बाद। इंसान सोचता कुछ है और फिर वो कुछ और जाता है जी। इसी तरह हुकूमत मिलने से पहले लोगों के जहन में ये होता है कि बहुत कुछ बदल सकते हैं। देखिए मैंने कभी भी किसी सियासतदान को इंडिविजुअली ना बुरा नहीं कहा, और अगर कहा माजी में तो मैं माजरत चाहता हूँ। वजह यह है कि मैं शुरू से ही आगाह हो गया था कि चाहे वो बेनजीर भुट्टो साहिबा जो दुनिया में नहीं रही, जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा या इमरान खान साहब हूँ, हकीकत यह है कि हुकूमत में आने के बाद बेबसी इसलिए महसूस होती है क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोला गया होता है कि जब बंदा इख्तियार में आ जाता है तो उसको अंदाजा होता है कि ये जितना कुछ झूठ हमें बताया गया है हुकूमत के बारे में, रियासत के बारे में, कौम के बारे में, ये अब इसको इसकी इसलाह करना नामुमकिन है। जैसे देखें वजीर आजम इमरान खान साहब का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने हकीकत पेश कर रहा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब का भी यही दिफा, जरदारी साहब का भी यही दिफा। देखें अगर आप निदा इस चीज को गहराई से नहीं समझेंगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए समझिए बात ये है कि कौम के पास कोई वसाइल वगैरह नहीं है, ये सब ड्रामा है। कौम के पास वसाइल नहीं तो वो सब कुछ, वो सब तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, हम सब सारी कौम हमारी। मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे बेसिकली बात ये है कि सियासतदान को ये बताया जाता है, मैं सियासतदान के बारे में बात कर रहा हूँ, आम आदमी के बारे में, सियासतदान को ये बताया जाता है कि आप वजीर आजम बनेंगे, इस मुल्क की लूटी हुई दौलत इतनी है कि आप वापस ले आएंगे तो मुल्क ठीक हो जाए, ठीक है, यही बताया जाता है ना जी। बिल्कुल, या आपको आज इमरान खान साहब दिख रहे हैं आप जिसके टैक्सेस हम आज तक पे कर रहे हैं, सब वो महंगाई जो है रोज रोज बढ़ती जा रही है। नहीं तो वही आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बताता हूँ ना, फैक्ट। देखिए एक चीज है फैक्ट, फैक्ट आपको मानना पड़ेगा। महंगाई के बारे में आप बात करें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वसाइल, क्योंकि हमारे के बाकी ब्रेक की तरफ भी अभी हमने जाना है तो ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, इसलिए मैं चाहती थी कि आप इन शॉर्ट बता दें। तो नहीं मैं मुख्तसर आपको बता दूं, असल में बात ये है कि मुल्क के पास कोई वसाइल वगैरह नहीं और ना ही मुल्क के पास इतनी कोई दौलत है। यही बात नवाज शरीफ साहब को बताई गई, उनको लगा कि मैं कशकौल तोड़ दूंगा हालात ठीक हो जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए उन्हें पता लगा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गल्ला खाली है, कुछ भी काम नहीं हो सकता, एंड जीरो बटा जीरो, ठीक है। तो वो फिर समझ गए कि जितना किया जा सकता है वो इन्हीं वसाइल में किया जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान साहब को भी लोगों ने गलत बताया कि कौम वसाइल से माला माल है, ये वो, वही जो पाकिस्तान की किताब में चीजें लिखी हुई है, हमारे पास कुदरती वसाइल हर जगह पर, एक नक्शा बना हुआ होता है उसमें लिखा होता है यहाँ पे तेल है, यहाँ पे कपास है, यहाँ पे जनाब कॉटन लगी हुई, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, कौम दौलत से माला माल, हाँ दौलत से माला माल,
अरे ये लुटेरे खा गए सारे, वरना तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली साहब कि जो उन्होंने 2.5 साल पहले जो सारी बातें हुई थी वही सब चीजें रिपीट हुए जा रही है, आवाम को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट देखिए ना, उसमें आवाम को मैनिपुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झूठ बोलने से इंसान को तसल्ली मिल जाती है जी। तो बेसिकली ये झूठ बोल के तसल्लियां दे रहे हैं। बात हुक्मरानों की नहीं है, बात इशू इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जो लोग कहते हैं, मैं चाहूंगी कि आपको मैं अपने शो में इनवाइट करूं क्योंकि आज तो आप कॉल पे अपनी मसरूफियात की वजह से, मैं लेके चाहूंगी कि आपके साथ तफसीली गुफ्तगू की जाए, पूरा प्रोग्राम आपके साथ किया जाए और हम हिस्ट्री पे बात करें क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके। और मैं बिल्कुल मैं चाहूंगी क्योंकि अभी हमारे ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है, तो मैं चाहूंगी कि हम अभी जो क्योंकि महंगाई का आज का जो हमारा टॉपिक है आप उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज। मैं कहना चाहूंगा कि आवाम जो है वो ज़हनी तौर पर अब तैयार हो जाए। अच्छा, महंगाई जो है वो अब एक रियलिटी ऑफ लाइफ बन चुकी है। अब इसके तरीके यही हैं कि आमदन के ज़राए बढ़ाए जाएं। हुकूमत से मेरी दूसरी तरफ गुजारिश ये है कि हुकूमत संजीदगी के साथ इस मसले को, महंगाई के मसले को ले, क्योंकि अगर महंगाई का मसला हल ना हुआ तो अवाम में उनकी मकबूलियत पर बहुत बड़ा असर आएगा और हुकूमत का इमेज जो है उस पर बहुत बड़ा दाग लग सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द महंगाई को कम करे। और मैंने ऐसा सुना है कि वजीर आजम इमरान खान साहब महंगाई कम करने के लिए कुछ पैकेज लाने वाले हैं और ये बड़ा मुखर और मुफसिल पैकेज होगा। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें वक्त दिया और जो है आज हमारे साथ मौजूद थे जो हमारे गेस्ट, हमने बात की महंगाई पे, तो अली नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे जो हमारे लास्ट जो हमारे गेस्ट थे लाइव कॉल पे हमारे साथ मौजूद थे। तो अब क्योंकि हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले मैं बस ये अपील करना चाहूँगी अपने जितने भी हमारे सियासतदान हैं, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, जरदारी साहब हो गए, हमारे नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, वज़ीर आज़म इमरान खान, हमारे CM, हमारे इन सब से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ थोड़ी अपनी नज़रसानी कर लें, अपने AC वाले रूम से बाहर आ जाएं आप लोग प्लीज़। आवाम जो हमारी बेबस हो रहे हैं, उन जो मुश्किलात का जो जो सामना करना पड़ रहा है उन्हें, प्लीज़ आप इनके ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे दो, उनकी भी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ के आप लोग जो है थोड़ा सा रहम कर लें। और जो है बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, और अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अब जो है मैं ब्रेक लूंगी, हमारे साथ रहिएगा। कम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई पे, तो इसी महंगाई के टॉपिक को हम आगे लेकर जाएंगे और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन अब मतलब अफसोस का मुकाम है कि मतलब पिछली नवाज शरीफ तो वैसे तो उनके बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनके ऊपर, लेकिन अगर आप देखा जाए तो उनके दौर में और अभी की जो गवर्नमेंट है उसमें आप कंपेरिज़न करें तो बहुत फ़र्क है। वो उनके दौर में कम से कम खाने पीने से तो लोग महरूम नहीं थे ना। आज का जो हुकूमत है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों ने तब्दीली के बहुत नारे लगाए थे, लेकिन क्या यह है वो तब्दीली जो आवाम खाने से भी जो जो क्या जो हमारी आज की जो आवाम है वो नौकरियों से तो गई लेकिन खाने पीने से भी महरूम हो गई है। मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैंने चंद मैं लोगों को जो है चलते हुए मैं रोड पे देखती भी रहती हूँ अक्सर, हम जब रुकते हैं सिग्नल पे, तो अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड लोग जो है वो जॉबलेस हुए हुए होते हैं और अपनी सीवीज़ लेके जो है वो खड़े हुए होते हैं कि आप हमें या तो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें या फिर हमें जॉब कहीं लगवा दें। आप जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो चुका है, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आप लोगों के ऊपर वो सब कुछ गुजरे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तब अंदाज़ा होगा कि गुर्बत क्या चीज़ होती है, महंगाई क्या चीज़ होती है। तो सफ़ेद पोश ये जो खुदकुशियों के जो केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से यही वजूहत है जिनकी वजह से जो है लोगों ने जो है वो खुदकुशी की तरफ जो है उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो चुका है। बेरोज़गारी, महंगाई और जो है ज़ाहिर है जब फैमिली बड़ी होती है तो फैमिली की भी 10 ज़रूरियात होती हैं, तो वो बंदा जो घर का वाहिद कफ़ील होता है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मेंटली वो डिप्रेशन में चला जाता है और यही डिप्रेशन की वजह होती है जिसकी वजह से बार बार जो है इस तरह की केसेस रिपोर्ट होते हैं। जी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, लाइव कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर आपको? क्या आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मैं कराची से मोहम्मद मोहिद्दीन सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, काजी मोहम्मद मोहिद्दीन सिद्दीकी। जी जी, प्रोग्राम K21 बहुत अच्छा है, जिसमें आप जो मसले मसाइल लोगों में बात करती हैं, मसले मसाइल पे बात करती हैं, और ये इसके मुताबिक जो गुफ्तगू करती हैं, मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। देखिए, हम POI के सिलसिले में जो पेंशन मिलती है रिटायर लोगों को 8,500 रुपये, और मजमुई तौर पे मैंने जो देखा है, कि यहाँ पर जो है लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं और आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की इस तरह की जब कॉल्स आती हैं ना, और आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये सजाया है, तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे कॉलर जो हैं वो मेरी फैमिली है, और वो मुझसे जुड़े रहें और अपने जो मसले मसाइल हों मुझसे शेयर करते रहें, हमें फीडबैक भी देते रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी सॉरी, आप कंटिन्यू करें आपकी बात, मैंने इंटरप्ट की। हेलो जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे खास से किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारा लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, और हम चाहते हैं कि हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने मुझे जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे, जो मेरे कॉलर्स हैं वो मुझसे बात करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी फैमिली समझ के हमसे जो है सारी चीज़ें वो अपने मसले मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। तो और मुझे, और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि ये हमने जो अपना बाखबर कराची का जो हमारा जो एक स्लोगन है, वो हमने जो हमारे प्लेटफॉर्म है, मैं ये चाहती हूँ कि हमने जो बाखबर कराची, मतलब हम कराची से अपनी आवाम को, अपने कॉलर्स को हम आगाह करें कि ये सारे मसले मसाइल, और उनके जो मसले मसाइल हम उनको भी जो है हल कराने की कोशिश करें, और उनको आला हुकाम तक हम जो उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम मोइनुद्दीन साहब, आपकी मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। बाखबर बाखबर कराची जी, ये माशाल्लाह बाखबर कराची जो है ये उमन बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं बात सुनूंगा, पहली मतलब शिरकत करने की इजाजत हासिल कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं जितना आपका शुक्रगुजार हूँ K21 का। थैंक यू सो मच, हालात के बारे में आप लोग प्रोग्राम करते थे, दूसरी बात पूरे मुल्क के बारे में आप ये मसले मसाइल को उजागर करते हैं, और सबसे बड़ा मौका आप आम लोगों को दावत देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से आप ये देखिए कि मेरा कोई सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं एक आम शहरी हूँ, लेकिन आप 2 साल से देखें महंगाई का ग्राफ कितना तेज से बढ़ा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। यही तो आज का हमारा मौजू है कि आप पिछली हुकूमत को ले लें और इस हुकूमत को ले लें, मतलब सिंध हुकूमत को भी थोड़े बहुत होश के नाखून लेने चाहिए अब, कि भैया अब हमारी आवाम जो है वो क्या रोडों पे आ जाए, क्या करे कि आप इस तरह से जो लोगों को परेशान करके आपने रखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। जी जी आप जी जी हेलो जब ये मौजूदा हुकूमत बरसरदार आएगी, जो तब्दीली के नाम पे आएगी, ये उस वक्त है ना कि एक मेडिसिन 650 रुपए की थी, अब 1650 रुपए की वो मेडिसिन है। डेढ़ 2 सालों में इतना फर्क पड़ा है मेडिसिन पे, 200% लाइफ ड्रग जो मेरे सामने पड़ी है, आप अगर अंदाजा करा ले उससे अंदाजा करा ले, HDI दोनों पे आप देख ले, हर चीज पे देख ले, गरीब तो गरीब ही नहीं रहा, मेरे पहले जमाने में मिडिल क्लास हुआ करती थी। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं जाती अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो देख रहा हूँ मेरी जो उम्र रसीदा आदमियों की 70 साल मेरी उम्र है, मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह गरीब गुजारा करते हैं। ये जो है ना मिडिल क्लास तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म ही हो गई है, और अब तो लोअर मिडिल क्लास के तौर पर हम लोग सामने आए, और हकीकत है आपकी बातें, और कोरोना की वजह से तो वैसे ही हम लोग और भी ज़्यादा जो है मतलब पीछे चले गए, हम लोग बहुत बैकवर्ड हो गए। पहले जो है जो लोगों की अगर फॉर एग्जांपल 50,000 तनख्वाह थी, उसमें उनकी ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो चल रही थी, उनकी सारी चीज़ें थी सही थी, लेकिन अब जो है वो अब किस तरह से गुजारा होगा, क्योंकि महंगाई इतनी होगी, जैसे आपने जिस तरह से आपने कहा कि मेडिसिन का, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दूसरी बात आपको कोरोना की कहता हूँ, हर कोई कोरोना के लिए ये समझता नहीं कि कोरोना ने बहुत अच्छी चीजें हमें सिखाई है,
जिस लोगों के सेंस भी होता था मुंह पे छींक देते थे या जगह जगह थूकते थे, ये चीज देखते थे, इस चीज से ये इसकी चीज हुई कि हम लोग दोबारा अपना जो सफाई लिस्ट की मान के दोबारा लौटे है। वरना आप यकीन कीजिएगा लोग मन ये नहीं सोचते थे कि अगर किसको फ्लू है नजला है तो वो एहतियात नहीं करते थे, जगह जगह अपनी गंदगी और उसको सरेआम वो करते थे। अब लोग एहतियात करने लगे हैं थोड़ा सा, ये तो लोगों को मालूमात हुआ कि ये किस तरह रहना है, किस तरह वो करना है। लेकिन ये कि फिर भी बहरहाल कोरोना से तो सोशल डिस्टेंस हमें रखना पड़ता है, जिसके बिना से हमें बहुत मुश्किल का सामना पड़ता है। और उमन बार दफा तो ऐसा होता है कि बगैर मास्क के तो आप कहीं जा नहीं सकते, ये नहीं करते। वैसे भी कराची शहर के अंदर अगर मैं थोड़ा बताऊं कि इतनी गंदगी है कि इसमें इतना गटर सीवरेज का पानी ये तो एक बहुत ही बड़ा मसला है। मसला तो हल हो ही नहीं सकता सर। मैं चाहूँगी कि आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप उसका सवाल हमें बता दें। और मैं मेरे ख्याल से फिर से उनकी लाइन डिसकनेक्ट हो गई है। तो बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल ही ठीक कहा कि ये लॉकडाउन जो है, और इसने चलो थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो दी है हमारी आवाम को कि किस तरह से जो है कचरे को आपने जो है पैक करके डस्टबिन में डालना है। और जो है बाकी इस तरह ये है कि हमारी इस तरह से लोगों को अपनी सफाई का भी जो है वो ख्याल हुआ कि हमने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क पहनना है। और जहाँ तक बात रही महंगाई की, तो महंगाई का जैसे उन्होंने जिक्र किया मेडिसिन का, तो मेरे ख़्याल से कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है वो तो अपना इलाज नहीं करवा सकता आज के दौर में, जो अभी की जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें तो उसके इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो है जिस तरह से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, खाना पीना उनके लिए जो है वो अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, तो वो मेडिसिन और जो बाकी के अखराज कैसे पूरे करेंगे। अपने एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं हम। एजुकेशन बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन उनका जो है किस तरह से उनको जो है वो मेंटली वो इसलिए मैं बात कर रही हूँ बार बार कि बच्चे जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार इसलिए हो गए क्योंकि जो अभी सारी सिचुएशन देख रहे हैं कोरोना की वजह से, फिर गुर्बत, तो वो स्कूल कैसे जा सकते हैं, उनका दिमाग क्योंकि इतने जो मफलूज हो चुके हैं, वो पढ़ाई उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास हमारे गेस्ट मौजूद हैं आज, चेयरमैन सीआरपीसी के शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी शकील साहब, क्या खैरियत से? शकील भाई, मेरी बात ये आज का जो हमारा मौजू है वो है बढ़ती हुई महंगाई। तो महंगाई के हवाले से जो, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब महीनों से जो लॉकडाउन था, जो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन चलती हुई आ रही थी, तो मैं यही चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कुछ हमें बताएं कि क्योंकि दाल चावल सब्जी हो गए, मेडिसिन हो गए, लोग स्कूल की फीसेस अफोर्ड नहीं कर रहे, तो मतलब किस तरह से ये सब कुछ क्या कर होगा, आप कुछ इस हवाले से हमें बताएं। सबसे पहले तो बाखबर कराची का बहुत मशहूर विचार हमें बाखबर रखते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि तो जो कोविड 19 की वजह से जो चीज़ें हैं वो तो नायाब हो चुकी थी, तकनीकी जो सैलाब और ये जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से भी चीज़ें जो है ना बड़ी ख़राब हुई हैं। अब उसमें होता ये है कि ऐसे मौके पे गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, कि गवर्नमेंट को ये रोल प्ले करना होता है कि उन चीज़ों की तफसील जो है वो मार्केट तक उसे पहुँचाना वो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं मामूली सी बात करूँगा, एक पालक जो कि आज से कुछ 3-4 महीने पहले 5 महीने पहले वो 12 रुपये किलो थी, वो इस वक्त होलसेल मार्केट यानी कि सब्जी मंडी में इस वक्त वो तकरीबन 70 रुपये किलो पे जा चुकी है। हर चीज को आग लगी हुई है। अगर हम सीधा सीधा चीजें भी गिननी शुरू करें जो इस वक्त आवाम परेशानी में देख रही है, एक सबसे पहले हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं बिजली का। आप मुझे बताएं कि बिजली की जो कीमत है इस कोविड 19 के अंदर 2.89 रुपये 2.89 पैसा आपने यूनिट बढ़ा दिया। आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो आप फेडरल गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करती है कि जी 12,000 रुपये इसी घर को दे देंगे, तो आप 12,000 रुपये अगर किसी को दे रहे हैं और 2.89 रुपये आपने यूनिट भी बढ़ा दिया, आप मुझे बताएं कि उसको कहाँ पर उसको आपने रिलीज किया।
सेकेंडली छोटी छोटी चीजों पे अगर हम आते हैं, ये तो मैं बिजली की बात इसलिए करता हूँ तो बिजली से जुड़ी हुई हर चीज होती है, बिल्कुल तो हकीकत है, क्योंकि ये भी जरूरत है, जिंदगी है, इसके बगैर भी इंसान नहीं रह सकता, जैसे खाने के बगैर नहीं रह सकते वैसे बिजली के बगैर नहीं रह सकता, बिजली के बगैर रह भी नहीं सकता, और बिजली से चीजें बनती है जी। आपने जो चीज बनाकर मार्केट को देनी है डेफिनेटली उसकी कीमत महंगी हो जाएगी जी। तो जब बिजली गैस की कीमत बढ़ती है ना, तो उसके साथ साथ आपके खाने पीने की अशिया खुदों में की चीजें इसकी कीमतें भी बढ़ जाती जी है। अब इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकन की कीमत देखे, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो उसकी कीमत थोड़ी नीचे आ रही है, लेकिन अगर मैं उसको देखूँ तो बनाने के बाद उसकी कीमतें तो इस वक्त ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है भाई? आपको कंट्रोल नहीं है, क्योंकि किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सिटीजन पोर्टल तो बना लिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस पोर्टल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का काम होता है कि चीजों की कीमतों का उनको स्टेबल करना, खासकर ग्रोसरी की कीमतों को स्टेबल करना, ये सूबाई हुकूमत का काम होता है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब के पोर्टल का मुझे नहीं समझ आती कि वो इसका मकसद क्या है। उससे मकसद मैं समझता हूँ एक सियासी कह लें कि एक तरीकाकार बना लिया उन्होंने, वरना इस तरीके से जब एक डोमेन ही नहीं आपका, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पास देखें आपके जितने ड्यूटीज हैं उनके पास आपने ताकत दे दी है, इस वक्त आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, अब उनके पास पहले से काम कितना ज्यादा है कि वो प्राइस सेटिंग पे उनकी जो मशीनरी है वो काम नहीं कर पा रही। जब काम नहीं करेगी तो जो प्राइस लिस्ट है, एक तो महंगाई वो है कि जो चीज महंगी इस वक्त तारीख को मिल रही है, एक तो वो महंगाई है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इन्होंने बहुत इस चीज का फायदा उठा लिया है कि नाजायज लोगों से पैसे लेना, ये कहाँ का, ये मुसलमान कंट्री में हम रह रहे हैं, मुस्लिम्स हैं हम लोग, मुस्लिम भी है और इंसानियत भी तो नहीं है ना हमें, मुसलमान तो चलो हम अपने आप को समझते ही हैं, कहाँ हमने रोल प्ले करते हैं मुसलमान का, हम तो तराजू के अंदर बाट के अंदर से सिक्का निकाल के उसका वजन जो है वो कम कर देते हैं, हम जो तराजू होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हम उसको खराब कर लेते हैं, तो हम रोल प्ले करते हैं। सूरह रहमान ने साफ साफ लिखा है कि मैदान के साथ वो छेड़छाड़, तो हम मैदान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दूसरी नजायज मुनाफा खोरी। हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें बेचनी है 10 रुपए की, हम उसे 15 से 20 रुपए की सेल कर रहे होते हैं, नहीं है तो आप किसी भी रिटेल की सब्जी की दुकान पे चले जाएं, आप रिटेल की किसी फ्रूट की शॉप पे चले जाएं, आप देखें कि वो आपसे जो चीज लेनी चाहिए जो गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, अच्छा गवर्नमेंट के जो ये वाले रेट्स होते हैं फ्रूट और सब्जी के डेली बेसिस पे निकाले जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 15 दिन में एक हफ्ते में, रोजाना रात को जब नीलामी होती है तो ये उस वक्त वहां पर निकाले जाते हैं, उस रेट को निकालने के बाद इनका मुनाफा लगाकर वो लिस्ट में लगा दिए जाते हैं। अब असली तौर पर चलो 1-2 रुपए महंगा करते तो समझ में आता है, लिस्ट से 15-15, 20-20, 30-30 रुपए महंगा होना इसका गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, ये सूबाई हुकूमत को भी चैलेंज करता है कि आपके पास वो चीज़ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, आप इसको कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपनी मशीनरी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब मशीनरी से बात करें तो उनके पास एक ही जुमला होता है कि जनाब हम पोलियो में लगे हुए हैं, हम कोविड-19 में लगे हुए हैं, तो भाई फिर ये बताएं कि कंज्यूमर कहाँ जाए। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाला जो है वो सिर्फ तारीफ है, तारीफ को जब उसकी कीमत पे चीज नहीं मिलेगी, ऊपर से महंगाई ने उसको मारा हुआ है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इस वक्त जो 300-500 रुपए गाड़ी लेने वाला है क्या वो अपना घर चला सकता है? नहीं चला सकता, वो नहीं कर सकता अफोर्ड, वो दाल लेकर आए, सब्जी लेकर आए, तो फिर वापस कैसे जाएगा अगले दिन नौकरी पे? ये दाल भी देखे ना, गरीब की अफोर्ड से बाहर हो चुकी है, दालों की कीमतें देखे ना, 150 रुपए से लेके 280 रुपए किलो पे चली गई। आप मुझे बताए कौन खरीदेगा, कैसे पकाएगा? चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावलों की हालत देख लें, रोज पर रोज मतलब ये तो बढ़ती जा रही है कीमतें, गरीब तो मेरे ख्याल से गोश्त अब खा ही नहीं सकते, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मैं आज बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं ये बात आज मैं कह रही हूँ कि क्योंकि दाल भी अगर देखा जाए तो वो भी जो है वो चिकन के रेट्स के बराबर आ चुकी है, तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है हमारे लिए। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हम क्यों नहीं इससे अपना रोल प्ले कर रही गवर्नमेंट, उसको एक रोल प्ले करना चाहिए भाई, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, सूबाई गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट तो वो फेडरल के ऊपर डाल रही होती है कि हम क्या करें, हमें जो पीछे से
नहीं, शिक्षित से वाली बात ही नहीं, 18th अमेंडमेंट के बाद 18वीं तरजीह के बाद बेसिकली जितनी भी चीजें हैं ये सुबाई गवर्नमेंट के पास जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद नीचे कमिश्नर कराची के पास आती है, उसके बाद नीचे डिप्टी कमिश्नर के पास आती है। और दूसरी बात ये ना कि आप चूंकि देखें इस वक्त कराची में इस टाइम कंज्यूमर कोर्ट की इफेक्टिव हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि अगर कंज्यूमर को यहाँ पर कोई इस तरह की कोई परेशानी कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उनको चाहिए क्योंकि आप बाखबर रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कंज्यूमर कोर्ट से भी रास्ता कर सकते हैं जहाँ पर उनको कोई ज्यादा लूट मार का बाजार लगा के बैठे हैं या खुदा ना खासा उनके साथ मिलावट वाला मामला हो रहा है, तो पार्टी भी काम कर रही है, लेकिन इसके लिए देखिए आपको खोलनी पड़ेगी। आपको आसानी से इस वक्त आपके अपने मोबाइल पे ऐप डालें, ऐप लोड कर लें, उस ऐप में आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट मिलेगी आपको प्राइस की। तो कम से कम थोड़ा सा रोल आप और हमें प्ले करना पड़ेगा, हम जब जाएं तो कम से कम हम इतने अपडेट तो हों कि उस महंगाई से तो हम बच सकें कि जो नाजायज मुनाफा खोरी के तौर पर की जा रही है। कम से कम सरकारी नक्श से तो चीज परचेज करने की हम कोशिश करें, जो कि है तो मुश्किल काम जी, करना तो पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा शकील साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे एक ऐप है, आई थिंक कराची प्राइस लिस्ट ऐप है वो, आपने भी मुझे बताया था, मैं भी उसको फॉलो करती रहती हूँ क्योंकि मैं हमारी आवाम का असल में इतना अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो डीसीज हैं एसी वो कमिश्नर जो डेली उनकी जो लिस्ट निकलती है प्राइस लिस्ट निकलती है तो उस पर भी वो ऐप जो पूरे उसमें प्राइस मेंशन हुए हुए होते हैं। मैं क्योंकि इसलिए मैं आपकी सारी बात काट रही हूँ कि हमारी आवाम को जब मैं चाहती हूँ कि हम मैं बता दी हूँ कि अच्छा उस पर ये बात एक और चीज़ भी है कि उस पर जो प्राइस कोट किए गए हैं अगर आप उन्हीं प्राइस पे जो है वो जो शॉपकीपर है वो आपको देता है तो ठीक है, बट नीचे कंप्लेन नंबर भी है, आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। जी शकील साहब बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा लेकिन इसमें एक चीज और है कि जैसे भी आप प्राइस अभी चला रहे हैं, आप देखें सरकारी तौर पे दूध की कीमत जो है 94 रुपीज लीटर होनी चाहिए, जबकि इस वक्त दूध 120 रुपए लीटर बिक रहा है। ये चैलेंज है गवर्नमेंट को, ये स्पिरिट को, जबकि सिंध हाई कोर्ट में बकायदा डिसीजन पास हुआ है कि 94 रुपीज पर लीटर सेल होना चाहिए दूध, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कराची, और वो भी प्योर नहीं है, मिलावट वाला है। प्योर तो खैर देखिए कि प्योर तो अभी मेरा ख्याल है कि हम ढूंढना पड़ता है हमें चीज़ों को कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो प्योर है और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो प्योर नहीं है, इस वक्त प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्योर नहीं है उसके बावजूद इतना डब्बे के दूध की चीज़ों को देखे कहाँ चली गई है। कराची की आवाम को अगर चीज़ें सस्ती मिलें, कराची की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि कराची 70% कमाकर फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है, कराची से पैसा जो है वो पूरे पाकिस्तान को जा रहा है, पूरे पाकिस्तान को रन कर रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा रहम तो किया जाए। जो दुनिया में जहाँ बड़ी मार्केट होती है वहाँ चीजें सस्ती होती हैं, आप और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि उस मार्केट में जाए जहाँ चीजें सस्ती हो। अफसोस के साथ कराची के साथ अलमिया ये कर दिया गया है कि कराची की चीजों को बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रखा जा रहा और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, चाहे वो कोई भी चीज ले लें। अब आप बिजली की मैं बात करता हूँ, लूट मार में थोड़ा सा इस पे जरूर सार्फिन को बताना चाहूंगा, आपके देखने वालों को, कि बिजली का मीटर जो लगा हुआ होता है वो आपके साथ हर महीने कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहा होता है। रीजन क्या है कि वो मीटर जो है वो बिल्कुल खस्ता है और नाकिस किस्म के मीटर बनाकर के इलेक्ट्रिक ने आप पर हमसे ठोक दिए हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नेप्रा जैसी अथॉरिटी और इसके अलावा कोई और फेडरल गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही कि वो जो मीटर है जब वो हर महीने बिल बना रहा है तो उसको चेक कौन करेगा, चेक करने के लिए आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो उसको चेक कर सके। अब वो कीमतें जब उसकी बढ़ती है तो वो तो सारे को देनी होती है, लेकिन उस वक्त तो जो मीटर है जो गैस का मीटर है तो उसको PSUCA चेक कर सकती है, यानी कि एक थर्ड पार्टी गवर्नमेंट का एक अदारा बैठा हुआ है जो उसको चेक कर सकता है, लेकिन अफसोस के साथ इलेक्ट्रिक के मीटर को कोई नहीं चेक कर सकता है, यानी कि मुंसिफ भी खुद ही है, चोर भी खुद ही है, यानी कि चोरी भी वो खुद करते हैं, मीटर भी उन्होंने खुद बाहर लगा कर लगा दिए हैं दीवारों पे, और जब अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कहते हैं कि तुमने ही गलत किया है। जबकि इन्होंने कहा था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ देने के बजाय उन्होंने तो ऊपर और ज़्यादा जुल्म आवाम के ऊपर कर दिया कि इतनी महंगाई, इतने ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए, तो क्या मतलब गरीब खाए या बिल भरे। नहीं असल में देखिए मैं आपको बताऊं कि बिलिंग तो चलो मैं कहता हूं अगर कोई रियल बिल आ रहा है तो समझ में आती है, डेट ऑफ जो आपकी बिलिंग होती है उसको चेंज करके यूनिट को 300 से ऊपर ले जाया जाता है जिससे स्लैब आपका बदल जाता है। पूरी दुनिया में जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो सस्ती होती है, हमारे मुल्क में ये जो चीज़ महंगी हो जाती है और खासकर शहर कराची में तो वो चीज़ और महंगी हो जाती है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि इलेक्ट्रिक के मीटर को भी देखने के लिए
फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, थर्ड पार्टी करनी चाहिए, गवर्नमेंट का एक अदारा बना हुआ है PSQC, कम अज कम उसको पाबंद करे कि ये इनके मीटर भी चेक करें। अब अगर खुदा ना खासा आपके यहाँ कुछ ये चोरी का इल्जाम, तो ये सेकंड में 6 लाख लगा देती है। तो यूनिट का महंगा होना आपके खाने पीने की चीजों को महंगा करेगा। डेफिनेटली जब स्टोर में रखे जाएंगे उसकी यूनिट महंगे होंगे तो वो चीज भी महंगी हो जाएगी। खाने पीने की चीजों पे चले जाए, अगर किसी किसी जो बनाने वाली कंपनीज हैं अगर उनको बिजली महंगी मिल रही है तो डेफिनेटली वो उसको महंगा करेंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर चीजों को सही कीमत पर लाना है तो उसमें 3-4 चीजें मोटी मोटी होती है जो ज्यादा बड़ी नहीं है, उनको गवर्नमेंट अगर ठीक करे। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये है कि बहुत सारी चीजें पंजाब से आ रही हैं, कुछ जो टमाटर है इस तरह की चीजें हमारे कोयटा बलूचिस्तान से आ रही हैं, उनको इंश्योर करना फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो इंश्योर करे कि वो आम तारीख तक मिल सके। और लेकिन आम तारीख तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि आपका उसके ऊपर सही कंट्रोल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जब तक आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। महंगाई कभी भी कंट्रोल खुद ब खुद नहीं होती है, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना होता है। क्योंकि एक तो हम अभी आपने खुद भी कहा कि हम कैसे मुसलमान है, तो बात यह है कि हम ना मुसलमान रहे ना अच्छे इंसान रहे, क्योंकि हमें कम अज कम गवर्नमेंट के डंडे से ही डर होता है, तो वो डंडा ही चला दें। जब अगर COVID-19 में आप पूरा पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, शहर कराची बंद कर सकते हैं, चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, तो आप ये प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? इसमें आखिर वो कौन से ऐसे अंतर हैं कि जो आपको रोकते हैं कि नहीं प्राइस कंट्रोल ना करें? तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन रही है इसके ऊपर। जी जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका, आपने जो है हमें किया वक्त दिया और जो है आपने बहुत ही अच्छे से हमारी जो है आवाम को आगाह किया कि किस तरह से, और आपने मसाइल के ऊपर भी बात की। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो आवाम है वो भी उसको उनको भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर जो DC की जो एक लिस्ट, कमिश्नर कराची जो डेली जो लिस्ट निकालते हैं, प्राइस लिस्ट जो निकली जाती है, वो चाहे चिकन की हो या फिर मटन की हो या बीफ की हो या फिर दाल सब्जी की हो, उस सब चीज़ों की लिस्ट निकलती है और उससे बाकायदा जो है प्राइस जो है मैंशन हुए हुए होते हैं कि दाल आज इतनी की है और चिकन इतने का है, मटन इतने का, चावल के भी रेट लिस्ट निकली जाती है। और ये जो बचत मार्केट्स होती है उसमें भी बकायदा उनको जो है वो आवाम की जो है रिलीफ देखते हुए उनको जो है प्राइस लिस्ट कंट्रोल करके दी जाती है कि आप जो है ये क्योंकि बचत बाज़ार जो है उनका मतलब जो वीकली मार्केट्स होती है उनका मकसद ये होता है कि आवाम जो है अगर महंगे दामों सब्ज़ी नहीं खरीद सकती तो वहाँ पर जाके जो है वो ख़रीद ले, तो उसके लिए उनको उस अलग से जो है प्राइस लिस्ट जो है वो बना के दी जाती है। तो जो है उस पर आप नीचे जो है उसमें कंप्लेंट नंबर भी दिया जाता है कि आप जो है वहाँ पर जब जाएं, और अगर जो शॉपकीपर है या फिर ये मैं शॉपकीपर की बात कर रही हूँ, जो बाहर की मार्केट से, मैं बचत बाज़ार की बात नहीं कर रही हूँ, बचत बाज़ार में तो वहाँ पर बल्कि उसमें भी नंबर दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर आप नीचे जो नंबर है आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो, और अगर वो जो शॉपकीपर है वो आपको उस तरह से डील नहीं करता तो आप जो है उनके साथ जो है वो बकायदा वहाँ पे कांटेक्ट करें और वो कंप्लेन आपकी जो जब वहाँ पे कंप्लेन वो रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वहाँ पे बकायदा उसकी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये हमारे पाकिस्तानी शहरियों का हक है, ये वो आप अपना हक लेना जाने। और हमारे साथ दूसरे जो हमारे कॉलर हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू फिर से हो गया, आज हमारे साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है। तो बात यह है कि हमारे सर अफजल खान एडवाइज़र मार्केट कमेटी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है सर। आज का हमारा मौजू है बढ़ती हुई महंगाई। इससे पहले हमारे साथ मौजूद है शकील बेगसा, CRPC के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने भी बहुत इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब, तो उन्होंने भी हमसे बातें की काफ़ी सारी महंगाई भी बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, चाहे बिजली की बात हो या आटे चावल दाल की बात या फिर जो है मुर्गी की बात कर ली या मेडिसिन की बात कर ली, क्योंकि गरीब जो है अब तो मेरे ख्याल से वो पहले खाएगा या फिर जो है अपने मेडिकल अफोर्ड करेगा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया जी। ठीक है, आप क्या समझते हैं जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शोबे से मैं रिलेटेड हूँ मैं तो उसके ऊपर बात करूंगा। अगर बकाया आप पूरे जितने भी आपने आइटम्स काउंट किए हैं अगर उसके ऊपर बात मैं करूँ तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स हूँ, मैंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है 1994 से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप जी।
लेकिन महंगाई तो सबके लिए ना, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, या आवाम हो, या गरीब हो, या अमीर हो, ये तो हम सब जी महंगाई देखे। उसका रीजन ये है कि आज आप टमाटर की बात करती हैं, प्याज की बात करती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करती हैं जी, तो ये लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जब अगस्त और सितंबर के महीनों में हेवी रेन हुई है, और ये पूरे पाकिस्तान को पता है जी। एक आम अनपढ़ आदमी को भी पता है, और एक बहुत पढ़े लिखे और बड़े जो एक्सपर्ट ही है इकोनॉमिक्स का, एग्रीकल्चर का, उसको भी पता है कि ये क्रॉप जो है ना कम्प्लीटली डैमेज हो गई है जी। जब डैमेज हो गई है तो उसके बाद जो रूलर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने जो है ना ये प्लान करना होता है कि हमारी आवाम को जो है ना इस महंगाई से कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि हुक्मरान या एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेट जो है ना ये सीरियस ही नहीं है काम करने के लिए। तो जिस टाइम ये क्रॉप डैमेज हो गई, तो उस टाइम जो है ना स्टेक होल्डर्स को, ग्रोवर्स को, ट्रेडर्स को वो ऑन बोर्ड लिया जाता, और वो ये कहते कि भाई अब ये तो हो गया, और फ्यूचर में ये चीज दो तीन महीने, साढ़े तीन चार महीने तक वापस जो है ना रीग्रो करने में लगेंगे। तो इसको जो है ना नेबरिंग कंट्री से पर वक्त डिसीजन लेकर और इम्पोर्ट कर दिया जाता टमाटर प्याज, और चलो ग्रीन वेजिटेबल्स बकाया जो दीगर आइटम है वो तो इतना जो है ना काउंट नहीं करता है। वो तो हमारे हमारे मुल्क में ये सब चीजें इनकी वो मतलब ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर जो है महंगाई का तो मतलब कोई सवाल पैदा होना ही नहीं चाहिए। महंगाई महंगाई तो देखें ये जो है ना मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में होता है प्लान करना या सजेशन देना एडमिनिस्ट्रेशन को। मंडी में जो चीज आ रही है इस टाइम टमाटर है, लाइक टमाटर आप जो है ना उसको ले लें, अब टमाटर यहाँ 14-15 किलो का क्रेट जो है ना वो 1200 से लेकर 1500 रुपए का बिकता है, तो उसको जो है ना टमाटर पेटी पूरी पेटी जब ऑक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये पर के जी एक जो है ना प्राइस क्या निकली है। अब वो पर के जी अगर 100 रुपया निकलती है तो मार्केट तक, आगे रिटेलर तक, शहर तक पहुंचने में वो 10 रुपए किलो, अगर उसके ऊपर और एक्सपेंसेस हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्टेज है, उसका 10 रुपए पर के जी जो है ना अगर प्रॉफिट भी रख दिया जाए तो उसको बिकना चाहिए 120 रुपए 130 रुपए। अब शहर में बिक रहे हैं 200-250 रुपए किलो, तो उसमें जो है ना लेक एडमिनिस्ट्रेशन और नेग्लिजेंसिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और सिटी मैनेजमेंट, ये कमिश्नर कराची का काम है कि जो प्राइस एक दफा डिसाइड हो जाए, फिक्स हो जाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए, क्योंकि उसकी पावर मेरे पास नहीं है। मैं जो है ना एज ए ट्रेडर यहाँ पे ऑक्शन कर देता हूँ, या दीगर ट्रेडर भी उसको ऑक्शन कर देते हैं, प्राइस फिक्स हो गई, उसके बाद शहर में जाकर उस प्राइस पे बिकवाना कमिश्नर कराची, डीसीज, एसीज और मजिस्ट्रेट का काम है जी। हाँ। वो जो है ना अगर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ओवर चार्जेस करते हैं, तो ये नेग्लिजेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनके ऊपर हैवी फाइन किया जाए जो ये लोग करते हैं। हम इस चीज के बिल्कुल जो है ना एब्सोल्यूट में उसको कंडेम करता हूँ कि जो शहरियों के साथ जाति करता है। अच्छा, तो अगर मंडी में ही सारी सिचुएशन हो तो फिर उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मंडी में भी काफ़ी जो रेट बताए जाते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 20 रुपए किलो टमाटर हैं, और वो टमाटर जो वहाँ पे 25 रुपए किलो मिलता है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझे नहीं, सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अगर जिस तरह से आप शहर की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से शहर में मंडी से वो चीज़ निकल गई 20 रुपए किलो, और यहाँ पे वो बेची जा रही है शहर में 30 रुपए किलो, या फॉर एग्जांपल हम 35 रुपए किलो ले लेते हैं, तो और यहाँ पर ठीक है रेट यहाँ पे बढ़े हुए हैं, यहाँ पे कमिश्नर कराची का काम है, और अगर सब्जी मंडी की हम बात करें कि वहाँ पे तो 20 रुपए किलो जो बी कोट किए गए रेट, और वो उन रेट्स पे नहीं बिक रहा है, वहाँ पे 25 रुपए किलो मिल रहा है, तो फिर उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं उसके हवाले से मैं आपका कहने का मकसद ये है कि एक चीज मार्केट जो थोक मार्केट है उसमें से उसका भाव निकला 20 रुपए के जी, आपने यही कहा है ना जी। हाँ। और वो शहर में बिकना चाहिए 25 रुपए के जी। जी हाँ। आपने यही कहा है ना जी। अगर वो शहर में 25 नहीं, शहर में वहाँ पे अगर 30 रुपए किलो निकला है और यहाँ पर जो है वो 35 रुपए या 40 रुपए किलो भी बिक रहा है, यहाँ पे आपने बोला शहर में जो है वो प्राइस कंट्रोल करना कमिश्नर का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है, ACDC का काम है, सब्जी मंडी के अंदर किसका काम है कि वो कंट्रोल करे कि अगर वहाँ पे महंगाई? सब्जी मंडी के अंदर ऑप्शन होता है, और ऑप्शन के बाद जो है ना ये सिटी मैनेजमेंट, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और मार्केट कमेटी कराची की नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो ऑप्शन को जो है ना रीड करते हैं, ऑप्शन को रीड करने के बाद उसकी प्राइस जो है ना वो फिर निकालते हैं, ऑप्शन को नोट करते हैं, उसके बाद उसकी लिस्ट निकलती है 48 घंटे के लिए,
उसके बाद उस लिस्ट के ऊपर अगर शहर में कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है और चार्जेस करता है तो उसको चेक करना और उसको फाइन करना वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, वो ट्रेडर्स का काम नहीं। ठीक है, और जो है उनके ऊपर पता कोई किसी किस्म का कुछ जुर्माना भी होता है या फिर क्या होता है? वो अवर चार्जेस पे फाइन होता है। अच्छा, फाइन होता है उनके ऊपर, जेसी करते हैं, जेल कस्टडी करते हैं। लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, अब आप जो है ना, सॉरी टू से, मैं सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है। उनको आवाम की जो है ना तकलीफ, आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मैं एज ए कंज्यूमर आपसे ये सवाल करता हूँ कि मैं एक जमींदार भी हूँ, मैं 1400 रुपए मन जन्म भेज के आज 2800 रुपए मन में आटा खरीद रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे जवाब दे दें। इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है, हमारी वो दुकानदार है, हमारे वो शॉपकीपर्स है जो पीछे से जो रेट कोट किए जा रहे हैं वो उन रेट पे खरीदने के बावजूद जो है वहाँ पर, ठीक है हमने हुकूमत को तो बुरा बोल दिया, हुकूमत सबकी नज़रों में ठीक है बुरी है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी जो है दुकानदारों की भी है कि वो किस तरह से जो है इनको आगे सेल करती है। एक मिसाल के तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे जो है ना होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में बिजनेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं जो है ना, मेरे पास एक नौकर भी है जिसकी तनख्वाह टोटल 20-25 हजार रुपए है। एक रेडी वाला वो 50 किलो टमाटर अगर बेचता है और सारा दिन में 50 किलो टमाटर बेचने के बाद वो 6 लोगों का बजट जो है ना पर डे का, अगर आप बनाए कि जब वो आटा लेने जाता है तो एक दिन होता है 50 रुपए का, दूसरे दिन होता है 70 रुपए का, चीनी 180 रुपए मन गन्ना खरीद के, और हम जो है ना वो 100 रुपए किलो चीनी, यार एक मन गन्ने की 10 किलो चीनी बनती होगी, अब 18 रुपए किलो की चीनी, उसके ऊपर जो है ना एक तरीकाकार होता है डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी और तमाम एक्सपेंसेस जो है ना उसके ऊपर ऐड करें तो 30 रुपए किलो पड़ जाती होगी, 35 रुपए किलो पड़ जाती होगी। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना उसके ऊपर 5 रुपए केजी प्रॉफिट रख ले तो आज जो है ना चीनी 100 रुपए किलो बिक रही है, इसका कौन जवाब देगा? जाहिर है हमारी गवर्नमेंट इसकी जवाब दे, हमारी गवर्नमेंट है इसकी जवाब दे। कहीं आप 100 रुपए बता रहे हैं, आप 100 रुपए बता रहे, कहीं 104 रुपए किलो, 105 रुपए किलो भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पे भी दुकानदार अपना मुनाफा रख रहे हैं तो उसने जो है जब दीगर वो अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेने के लिए जाता है तो वो 5 रुपए किलो पे टमाटर पे जो है ना प्रॉफिट लेके और 50 किलो बेच के 250 रुपए रोज कमा के 6 बच्चों की फिर वो कफाला नहीं करता, वो भी ओवर चार्जेस कर रहा है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना हुकूमत है, वक्त है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है। तो ये जो तंजीमें बनाई गई हैं उनका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता है भाई? इंप्लीमेंट जब सब कुछ ही हमारी गवर्नमेंट ने कर रहा है तो गवर्नमेंट जो ये फिर डिपार्टमेंट सारे खत्म कर देना, फिर गवर्नमेंट हर चीज खुद ही देखे। मेरी बात सुने, बात ये कि आप एज ए मीडिया पर्सन आप किसी चीज को एक्सपोज कर सकते हैं जी। आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक ओवर चार्जेस करने वाले आदमी को जो है ना कोई कन्वेंशन कर सके। मैं एज ए ट्रेडर मैं जो है ना अपना जात का जिम्मेदार हूँ या अपने जितने भी 4-5 हजार ताजर हैं उस सिस्टम को जो है ना मेंटेन करने का जिम्मेदार हूँ। लेकिन शहर में 2-2.5 करोड़ की आबादी है, जब मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ तो वो घी पर के जी परसों जो 220 रुपए का दे रहा था आज उसने 250 रुपए दे रहा है, मैं तो उसको नहीं रोक सकता, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। और आप देख लें जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं, प्रोविजन स्टोर हैं, पहले उनके ऊपर लिस्ट यहाँ हुआ करती थी, आज जो है ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई मजिस्ट्रेट, कोई एसी, अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलता। मैं तो यहाँ पे आपके जरिए ये कहता हूँ जिनके तमाम दफ्तरों से एसी निकलवा दिए हैं और इनको दफ्तरों में बैठने की इजाजत ना हो, ये फील्ड में रहे और लोगों के लिए जिस चीज पे इनको तनख्वाह मिलती है उस चीज का इनसे पूरा काम लिया जाए। यहाँ पे तो एक अफसरशाह ही बनी हुई है, अब जो चीज हो वो ट्रेडर्स के ऊपर डाल दो, अगर ट्रेड पाकिस्तान में ना हो, हर ट्रेड जो है ना या हर इंस्टीट्यूट जो है ना वो चोर नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिजनेस है ये ऑक्शन बेस्ड है, हम खुले आम ऑक्शन करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के नुमाइंदे खड़े होते हैं, वो प्राइस फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद वो प्राइस जो है ना विद प्रॉफिट शेयर में लिस्टें चली जाती हैं। अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना कमीशन कराची का काम है, मेरा काम तो नहीं है। ठीक है, सही, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में अफजल साहब आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद थे अफजल साहब,
और जो है बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त अब जो है इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो बात यह है कि मैं अब इस अपने बाग़बर कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम इफ्तिखार शेरवारी साहब जो है मैं उनसे ये कहूँगी प्लीज़ आप जो है कुछ अपने अपने रूम से एसी वाले रूम से हमारे अफजल साहब ने कहा आप बाहर आए, आप देखिए किस तरह से हमारी आवाम जो परेशान है, मुश्किल का कितना मुश्किल का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर था, और ताकि जो है हमारी आवाम जो है उससे आगाह हो, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा यही हमारे कोई ना कोई चाहते हैं कि हम एक मैसेज दें, एक ताकि जो हमारी आवाम है उसको अवेयरनेस हो कि महंगाई को हम किस तरह से, आज मैंने रेट लिस्ट के हवाले से आपसे बात की, हमारे साथ डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद थे तो उनसे हमने बातचीत की। आप लोगों को जो है बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी खुद भी अपनी जिम्मेदारी जो है समझें। तो अगर आप लोग को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो और जो है आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट जो आप उस पर कोई हमें आप लोगों का कोई टॉपिक आप चाहते हमारे, इससे पहले मैं अपने इख्तिताम से पहले हमारे से एक लाइव कॉलर मैं चाहूँगी मैं उनसे भी बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? खैरियत से? जी जी आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा है, इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी सलाह के लिए और लोग भी सुन रहे हैं। बेसिकली जो कुछ कहा जा रहा है इसके सबके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खुद का हाथ है। चार चीजें हैं बुनियादी तौर पे जो कि सही हो जाए तो इस मुल्क में महंगाई खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी, और वो है पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली। ये चार चीजें जब तक कम नहीं होंगी उस वक्त तक आपकी महंगाई कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है, बुनियादी तौर पे हमें जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं बाहर से, सऊदी अरब से, ईरान से जो पेट्रोल और डीजल इम्पोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उस एक्चुअल रेट के ऊपर तो हमें सप्लाई कर नहीं रही है। गवर्नमेंट उस पर तो टैक्सेस लगा के खुद हमें 100 रुपए 105 रुपए लीटर पेट्रोल दे रही है। जी, आज से 2 साल पहले 65 रुपए लीटर था पेट्रोल, आज 105 पे पहुंच गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। 6 महीने पब्लिक ने घर में बैठ के गुजारा, किसी ने कुछ कमाया नहीं, दुकानें बंद, कारोबार बंद, सब कुछ बंद था, तो जाहिर है लोग तो परेशान होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट को खुद देखनी चाहिए कि हमें रिलीफ देना चाहिए अपने आवाम को ताकि तमाम चीज़ें अपने लेवल पे रहें। दूसरी बात जो मैं सुन रहा था अभी आपके लाइव कॉलर में जो आपके सब्जी मंडी की और उनकी बता रहे थे, मैं एक मोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मेरा लाइव स्टॉक का काम है और मैं जब पंजाब जाता हूँ और वहाँ से जाके जानवर खरीद के गोश्त के हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ लेता हूँ वहाँ से, तो आज से कोई 1 साल पहले जो जानवर हमें 25,000 रुपए का मिलता था अब वो 55,000 रुपए का मिल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से महंगाई कम होगी? जब मैंने महंगाई तो बढ़ रही है, कम होने का तो अभी कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ, अभी तक तो बढ़ती हमें नजर आ रही है महंगाई, वो बढ़ती रहेगी। वजह यह है कि उस जो फार्मर है उसके भी तो घर में बच्चे हैं, उसके भी घर में उसकी फैमिली है जो यही दाल चावल आटा घी तेल इस्तेमाल करती है, जब वो इतनी महंगी खरीद के अपने घर में इस्तेमाल करेगा तो वो किस तरीके से अपने घर से प्रोडक्ट को मार्केट में लाके सस्ता बेचेगा? जी, हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल जाहिर है। वो उस जब वो आप जैसे बता रहे लाइव स्टॉक का काम है तो वो उसके ऊपर जो है वो अपने जानवरों के ऊपर खाने पीने के भी वो लगाता होगा, तो वो यही चाहता होगा ना अगला शख्स के मुझे भी इससे फायदा हो, नुकसान में ना जाऊं मैं। तो बस ये कि हमारे साथ मौजूद थे आसिफ साहब कराची से, तो उन्होंने बहुत जो है बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अभी तक हम जो है खाने पीने की अशिया पे बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि बिज़नेस की बात अगर हम करें यहाँ पे लाइव स्टॉक का काम बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो भी आज के दौर में जबकि नुकसान में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग के कारोबार कहाँ चल रहे हैं, नहीं चल रहे, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के अच्छे कारोबार तबाह हुए जा रहे हैं। वैसे तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत तब्दीली के वादे किए थे, लेकिन ऐसी तब्दीली जो कि अवाम परेशान हाल और जो है लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए जिसका कुछ पता ही नहीं है, ऐसी तब्दीली मैं अपने जो है गवर्नमेंट से हमारे में फेडरल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए, आप प्लीज़ कुछ चेंजिंग्स लेकर आए, क्योंकि पहले भी हम जो गवर्नमेंट्स आके जा चुकी हैं उन्होंने भी हमसे बहुत जो है वादे किए थे लेकिन उन वादों पर वो पूरे नहीं उतरे। हमारी जो आवाम है ना वो बहुत अब परेशान हो गई, हम पे कुछ तर्स खा लें,
हमारे मीडिया को आप देखिए वो कितने क्राइसिस में जा रहे हैं। मैं सारे आज डिपार्टमेंट्स की मैं सब चीज़ों की मैं बात करूंगी कि हम लोग बहुत बहुत परेशान हो गए, प्लीज़ कुछ कर ले। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से अपने प्लेटफॉर्म से, और मैं ये चाहूँगी कि अभी हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम का जो है अभी कुछ मिनट है, तो अगर कोई कॉलर हमें कॉल करना चाह रहे हैं और हमसे बात करना चाह रहे हैं, उनके कोई सवाल हैं तो मैं उनसे बात करूंगी, उनसे बिल्कुल हम उनकी गुफ्तगू जो है सुनेंगे और चाहेंगे कि उसका जो है हल हम अपने ही उससे प्लेटफॉर्म से उनको जो है आंसर उनको लेकर दें। तो बस ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो अफजल साहब थे हमारे पास, शकील साहब भी हमारे साथ थे कॉल पे मौजूद, उन्होंने सब ने यही कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट की सारी जो है गलतियाँ हैं, हमारी आवाम जो है बहुत परेशान हो गई है, एक बंदा जो है मेडिकल जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, और खाने पीने की दूर की बात है, दूध की जहाँ तक बात रही तो दूध जो है वो कितना महंगा होता है, गरीब अगर बंदा आप देखें तो वो तो पता नहीं कितने साल हो गए उन्हें दूध पिए हुए। चीनी की बात कर लें आप, चीनी कितनी महंगी हो गई है, आप अंडों की बात कर लें, मुर्गी तो चलो फिर भी चीनी और मेरे ख्याल से मुर्गी अब बराबर ही बराबर आ चुके हैं, या चीनी ले रही है आप मुर्गी ले लो, गोश्त दालें आप दालों की बात कर लें आप, जो है बीफ मटन तो खैर बिल्कुल ही पहुँच से दूर है हमारे, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा हम लोगों को बहुत नुकसान फेस करना पड़ा है कि अभी जिस तरह से हैदराबाद ने भी जो है महंगाई की वजह से एक नौजवान ने जो है खुदकुशी कर ली, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। हमारे मुल्क में कितने जो है केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए जा रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट जो है कब आंखें खोलेगी अपनी, कब हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप लेगी, या फिर इसी तरह से लोगों को खुदकुशी और मरने पर मजबूर करते रहेंगे। तो बस यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो है प्लीज़ अपने कमेंट्स किया करें, बताया करें कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किस हवाले से रखें, और हमारी जो मेरी अगर कोई गलती हो या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि जो हमारा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली आज आप लोग थे और हमेशा से मेरी फैमिली आप लोग ही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ हमें जो है कॉमेंट्स ज़रूर लिखा करें। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।